याद से लेकर आया मैं उसे। कल प्राप्ति के लिए गिफ्ट लेकर आ जाना, ठीक है? वो तो मैं ले आई थी कुलदीप। कैसे? रुक ऋषि, तुझे एक्सचेंज पॉलिसी नहीं पता? एक्सचेंज पॉलिसी? हाँ, मेरे एक फ्रेंड को मेरी पेंसिल अच्छी लगी तो मैंने उसको एक दिन के लिए दे दी और एक्सचेंज में उसने अपना मैजिक पेन दे दिया। और तू मम्मी को बताने जा रहा था? कल मेरी पेंसिल मुझे वापस मिल जाएगी और ये मैजिक पेन मैं वापस कर दूंगी। कल पक्का वापस कर देना। यार कितनी बार कह चुका हूँ पर तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं है। अरे तुम्हारे आए बाबा से मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं नहीं जाती उनसे मांगने के लिए। मगर पैसे रख तो लेती हो ना, और वो भी अजीब है, दो चार नोट पटक कर चली जाती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। कुलदीप प्लीज, आई भीख समझ कर नहीं देती है मुझे, माँ है वो मेरी, और हर माँ अपने बच्चे की खुशी चाहती है। तुम्हारी खुशी की कितनी परवाह है सब देख चुका हूँ मैं। अरे शादी के बाद हम दोनों को आशीर्वाद तक नहीं दिया, दरवाजे से लौटा दिया था हम दोनों को। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आए तो प्लीज कह देना कि अपना पैसा और अपना प्यार अपने पास रखें। अरे मेरी बीजी भी मुझसे प्यार करती है ना, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ा या नहीं? आज मिली थी बीजी रास्ते में, मगर एक माँ की तरह नहीं, दुश्मन समझती है मुझे वो अपना दुश्मन। कुलदीप, अपनी आय को पैसे वापस लौटा देना बस। रोली रोली चली आई थी, आज हम जल्दी नहीं सोएंगे। क्यों? जब मैं ऊपर आया तो संजना आंटी केक ऑर्डर कर रही थी मम्मा पापा की हैप्पी एनिवर्सरी के लिए। पर मैं मम्मा को विश नहीं करूंगी, मुझे कितना बुरा लगा जब उन्हें पार्टी में जाने दिया। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या बातें हो रही है? ओहो, चिप्स बर्गर चॉकलेट्स। पापा, आपने अच्छे से डांटा ना मम्मा को। चलो यहाँ बैठो मेरे साथ। रोली बेटा, आपने जो किया है ना वो बहुत गलत किया। किसी का सिग्नेचर कॉपी करना, इट्स अ क्राइम, वेरी रॉन्ग। बताओ ऐसा क्यों किया आपने? I was scared, पापा। देखो, कुछ भी हो जाए, okay? कभी भी मामा पापा से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, okay? Okay? क्लास में काम आएगा। ये तो प्राप्ति नहीं दी है ना तुझे रिटर्न गिफ्ट? नहीं, वो तो मेरे बैग में है, मम्मा ने दो गिफ्ट दिए थे, ये तेरा रिटर्न गिफ्ट। आप इतनी गुस्सा हो फिर भी मेरे साथ से प्राप्ति को गिफ्ट भेजा? सॉरी मम्मा, बहुत बड़ी मिस्टेक की ना मैंने। अब मत करना। नेवर मम्मा, पक्का प्रॉमिस। सरप्राइज, हैप्पी एनिवर्सरी। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, कम इन। चलो आजा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। फोन है, कह रही है ओए
खोता। पीजी सियाप्पा, अरे दे दो मुझे फोन, आप जाओ बैठो। मुबारक होए खोतिया, तेरी जिंदगी की बर्बादी का दिन मुबारक होए हरामखोर। पीजी आपको हरामखोर, आज ही के दिन घर छोड़ के भाज गया था ना तू उस मराठन के साथ, इसी खुशी में तो गिफ्ट दिया था तुझे भरी सड़क पे। पसंद आया तेरा बेड़ा घर को जाए और कख न रहे तेरा। और रख क्या कहा बीजी ने, जितनी गालियां आती थी सब सुना दी हमेशा की तरह, और आज तो एनिवर्सरी की खुशी पर एक स्पेशल आइटम था। बताया था ना तुम्हें आज बीजी मिली थी। कोई बात नहीं, आखिर माँ है वो तुम्हारी, अनजाने में सही, लेकिन मन तो दुखाया है ना हमने उनका। हो सकता है तुम पर हाथ उठाकर तुम्हें बुरा भला कहकर शायद ये बताना चाहती हो कि वो तुम्हें कितना याद करती है, तुम्हें कितना मिस करती है। कुलदीप, मैं गया था ना उनके पास, पहले भी गया था ना, कितनी मेहनत की मैंने कि बीजी आओ हमारे साथ रहो। क्या किया उन्होंने, धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन बीजी अपनी सारी नाराजगी भूलकर हमारे पास आ जाएंगे। चड्डा जी चीयर्स, चड्डा जी ब्याह के बाद कुड़ी पराई हो जानी है, साडा तो मुंडा ही पराया हो गया जी, तुसी भी चले गए मैनु कल्ली नु छोड़ के। तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट नहीं ला पाया। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक प्रॉमिस करना होगा, कल का पूरा दिन तुम हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, और उससे बड़ा गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता कुलदीप। सो कल पापा हमारे साथ लंच, फिर मूवी एंड देन प्रॉमिस। बच्चा पार्टी, ये तो बेस्ट ट्रीट है ना पापा, कल नो स्कूल और वाटर पार्क भी चलेंगे, ठीक है? यस कुलदीप, से ना यस। कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम। हैप्पी डील, डील यार, कल थोड़ा मुश्किल होगा। लुक गाइस, मुझे मीटिंग के लिए तो जाना ही होगा, ठीक है? और तुम दोनों को स्कूल भी जाना कंपलसरी है। नो पापा प्लीज। बेटा पूरी बात तो सुन लो, मैं काम खत्म करके जल्दी घर आ जाऊंगा, ओके? उसके बाद क्या, लंच, उसके बाद मूवी एंड देन डिनर। डिनर।
बच्चे बहुत खुश हैं, अब भी सोए। हे भगवान, हैप्पी एनिवर्सरी स्वीटहार्ट। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। अंदर चले। I'm too tired. और आज का दिन कुछ ज्यादा ही हेक्टिक था। बस 2 मिनट में आती। तुम जाओ, मैं अभी आई। 2 मिनट्स। 2 मिनट्स। The time starts now. Okay. तुझसे हूँ भरने लगा, ख्यालों में तेरे मैं रहने लगा। I'm so sorry कुलदीप। खाली तुझसे हूँ भरने लगा, दिल तेरे पीछे। कुलदीप सही कहते हैं, मेरी दुनिया बच्चों और किचन में सिमट कर रह गई। बस यही ख्वाहिश, मुझे अपना दायरा बढ़ाना होगा। तेरा बनू मैं यार। डैडी, दिस इज फॉर यू। अरे वाह, मैंने आप दोनों के लिए बनाया है। ये देखो। हैप्पी एनिवर्सरी रोली एंड ऋषि। नाइस ऋषि, क्या हुआ? रोली, फिर से चीटिंग? अच्छा, बस आने का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। चलो चलो फटाफट। बाय बाय ऋषि। बाय पापा। बाय। एक आधा प्रॉमिस हमें भी कर दो। I'm sorry. I promise you, अब तुम्हें अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं होगी। आज का दिन और आज की रात दोनों बहुत स्पेशल होगी। आई प्रॉमिस। अब तो शाम को जल्द ही लौटना पड़ेगा, स्पेशल नाइट का वादा जो किया है तुमने। ओके, आई हैव गॉट टू गो। सी यू। सी यू। समीरा भी जा रही है ना तुम्हारे साथ प्लांट विजिट के लिए? समीरा नहीं, समायरा। सी यू टुनाइट। समीरा हो या समायरा, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार समझा चुका हूँ पर तुम्हारे पल्ले बात पड़ती नहीं। तुम्हारे आए बाबा से एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे। अपनी आय को पैसे वापस लौटा देना बस। शुभ्रा बेटा,
नमस्कार काका। नमस्कार, कशा आहात तुम्ही? मी बरी आहे। बाबा आहेत का? आईला बाहेर बोलवा ना। तुझा आणि आमचा काही संबंध नाही, समजलं का? शुभ्रा, तू का आलीस इथे? तेरे बाबा के आने का टाइम हो गया है, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया ना तो। I'm sorry, आई काम बहुत इम्पोर्टेंट था। एक मिनट आई। कुलदीप ने कहा ना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता वो, तो अगर माँ कर रही है तो उसमें भी उसे परेशानी है। कितनी बार कहा तुझसे बाहर चे लोकांशी बोलू नकोस? विठ्ठल, पूरे घर को गौमूत्र से साफ करो, भ्रष्ट कर दिया। शिफ्ट होने के बारे में कुछ डिसाइड किया तुमने? समायरा, मेरे लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। एक तरफ मैं जानता हूं कि मेरे टैलेंट और काम की यहां पर कदर नहीं है, सैलरी बहुत कम है, और दूसरी तरफ मेरे बार बार जॉब छोड़ने पर शुभ्रा बहुत अपसेट हो जाती है, तो मुझे उसे प्रॉमिस करना पड़ा कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा कम से कम अगले 6 महीने तक। As you wish. एक समय था संजना, जब आई बाबा के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था, और आज मेरे पैरों से वो आंगन भ्रष्ट हो गया जहां मेरा बचपन बीता था। संजना, बहुत मन करता है आई बाबा के पैर छूकर उनके सीने से लग जाऊं। बहुत मन करता है एक बार तो बाबा फोन करके मुझसे पूछे, शुभ्रा कशी आज तू? हम आ गए।
आज तो आपकी हैप्पी एनिवर्सरी है ना, आप हैप्पी क्यों नहीं हो? ओहो, अगर तू हैप्पी है तो हर टाइम हंसते रहता है क्या? ऐसा करियो भी मत, नहीं तो लोग तेरे को मैड समझेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय बाय आंटी। बाय आंटी। तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है तैयार होने में? मुझे। तो चल मैं तुझे जल्दी से तैयार कर देती हूँ। कब? आई और पापा बोलते हैं कोई भी बात हो बता देना, छुपाना मत, लेकिन खुद को देखो। आई पक्का सैड है, बहुत अपसेट है, रोली तो कुछ समझती नहीं है, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। आई होप पापा जल्दी आ जाए।